नमस्कार, वेलकम टू हंगरी स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। तो दोस्तों, बिग बॉस के 1 से 14 सीजन हो चुके, 15वें सीजन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। तो लेकिन हर सीजन में, बिग बॉस के हर सीजन में, जब से सलमान खान ने सीजन ज्वाइन किया है, तो सलमान खान जब से होस्ट बने हैं, हर बार हर बिग बॉस में एक ना एक सदस्य ऐसा होता है जो सलमान खान का फेवरेट लगता है। ऐसे लगता है कि सलमान खान कहीं ना कहीं उसके लिए, उसके प्रति सॉफ्ट हो रहे हैं। तो चलिए आज बात करते हैं वो कौन कौन से सदस्य हैं बिग बॉस के सभी सीजन को लेके। बिग बॉस सीजन 4 में सलमान खान ने शुरू किया था, बिग बॉस 4 से लेके बिग बॉस 14 तक वो कौन कौन से सदस्य हैं खुशकिस्मत जो सलमान खान के बन गए थे चहेते, तो जिनके प्रति सलमान खान का बिहेवियर जो है बड़ा ही सॉफ्ट था। ये वीडियो एंड तक देखिएगा, क्योंकि एंड में जो सदस्य बताने वाला हूं तो वो सुन के आप जरूर खुश होंगे। तो चलिए पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल हंगरी स्प्रेड सब्सक्राइब नहीं किया है, वो वीडियो के नीचे दिया गया लाल बटन दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ में बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। चलिए बात करते हैं दोस्तों बिग बॉस सीजन 4 की। तो बिग बॉस सीजन 4 में एक सदस्य ऐसी थी, आपने पीछे देखा एक सीरियल आया था, बड़ा ही सुपरहिट सीरियल था, बड़ा सुंदर था, मेरे डैड की दुल्हनिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं श्वेता तिवारी की। बिग बॉस सीजन 4 की विनर भी श्वेता तिवारी ही बनी थी। तो सलमान खान श्वेता तिवारी के प्रति कुछ ज्यादा ही सॉफ्ट थे, श्वेता तिवारी उनकी पसंद थी, उनको लगती थी कि ये बहुत ही अच्छी कंटेस्टेंट है। हर बार कहीं ना कहीं किसी न किसी बारे से श्वेता तिवारी की तारीफ होती थी। श्वेता तिवारी कुछ गलत भी अगर कुछ होता था उनसे तो कहीं ना कहीं वो माफ करती थी, सलमान खान कहीं ना कहीं सॉफ्ट हो जाते थे, जो उसको बात को इतना छेड़ते नहीं थे। तो श्वेता तिवारी ने, क्योंकि बिग बॉस उस सीजन में डॉली बिंद्रा थी, तो डॉली बिंद्रा ने श्वेता तिवारी का जीना हराम कर रखा था, लेकिन श्वेता तिवारी डटी रही और इस चीज की उनको सलमान खान से तारीफ भी मिलती थी। तो उसके बाद बात करते हैं एक बहुत ही हॉट, बहुत ही मतलब सेलिब्रिटी कंटेस्टेंट, सनी लियोनी की। जी हाँ, सनी लियोनी का पहले तो यही बहुत बड़ा झटका था, सनी लियोनी का बिग बॉस में आना। बिग बॉस में सनी लियोनी आई तो सनी लियोनी की वजह से ही बहुत सारे लोगों ने बिग बॉस को देखना शुरू कर दिया था। तो सलमान खान सनी लियोनी की काफी तारीफ करते थे, काफी सलमान खान प्रेज करते सनी लियोनी की। सनी लियोनी को जैसे कि पहला था, उनको हिंदी प्रॉपर आती नहीं थी, तो हालांकि वो इंडिया से ही बाहर गई थी, लेकिन हिंदी उस तरह की डेवलप नहीं हुई, हिंदी आती नहीं थी। तो वो सलमान खान मजाक मस्ती भी करते थे, लेकिन अप्रिशिएट भी सनी लियोनी को करते थे। तो ऐसा लगता था कि सनी लियोनी भी सलमान खान की काफी खास पसंद है। तो उसके बाद बिग बॉस सीजन 7 में ही एक और बाहर की एक्ट्रेस थी, जी हाँ, अली एब्रिम। तो वो भी सलमान खान को भाती थी, उनकी भी सलमान खान काफी तारीफ करते थे। तो ये जो इस सीजन में की विनर जो है गौहर खान बनी थी, तो इस सीजन में अली एब्रिम के अलावा एक और भी सदस्य की बात करूंगा जो सलमान खान की फेवरेट थी। उसके लिए तो सलमान खान के ऊपर काफी ज्यादा लोग दोष भी लगाते, बात करते थे, कह रहे यार उसकी, उनको कुछ नहीं कहते हैं, उसकी बड़ी तारीफ करते हैं, ये सारी चीजें होती रहती थी। तो अली एब्रिम भी सलमान खान की चहेती थी। उसके बाद बात करते हैं सना खान की। सना खान भी एक एक्ट्रेस है जो आप सभी जानते हैं सना खान को। सना खान ने बहुत सारे फिल्मों में, बहुत सारे आइटम सॉन्ग में काम किया है। तो बिग बॉस सीजन 6 में आई थी, तो सना खान को भी सलमान खान काफी पसंद करते थे, अप्रिशिएट करते थे। उसके बाद सलमान खान की फिल्म में, चाहे से जय हो में, सना खान काम करती हुई भी नजर आई थी। सलमान खान का ये जरूर है कि जो उनको अच्छा लगता है, उनको पसंद आता है, तो उसको कहीं ना कहीं वो प्रमोट भी करते हैं। तो सर, इसके बाद बात करता हूं जिसकी मैं बात पहले छेड़ी थी बिग बॉस सीजन 4 में, तनिषा मुखर्जी। तनिषा मुखर्जी के लिए सलमान का रवैया लोगों को साफ साफ वन साइडेड लगता था। तो लोगों को लगता था सलमान खान तनिषा मुखर्जी की इसके लिए तारीफ करते हैं, इसके लिए उनकी साइड लेते हैं, क्योंकि वो काजोल की बहन है। जी हाँ, हीरोइन काजोल, अजय देवगन की पत्नी। तो अजय देवगन के साथ, क्योंकि सलमान खान के बहुत ही मधुर संबंध है, इसके लिए सलमान खान जो है तनिषा मुखर्जी के प्रति सॉफ्ट है,
उसकी साइड लेते हैं। इस मामले को कहीं ना कहीं गौहर खान ने भी तभी इसके बारे में बोला था, तो आप याद कीजिएगा। तो ये ऐसा था या नहीं था, तो ये तो भैया सलमान साहब ही जाने, लेकिन ये लोग जरूर कहते थे कि तनिषा मुखर्जी सलमान खान की खास चहेती है। तो उसके बाद एक सदस्य है बिग बॉस सीजन 8 के जो बने थे विनर, जी हाँ, वी लव गौटी, गौतम गुलाटी, बहुत ही टैलेंटेड व्यक्ति, बिग बॉस के सीजन में उन्होंने साबित कर दिया था। सलमान खान उनकी तारीफ करते थे, बिल्कुल तारीफ करते थे, ऐसा लगता है सलमान खान गौतम को गुलाटी को बचा रहे हैं, उनकी साइड ले रहे हैं, क्योंकि एक समय ऐसा था गौतम गुलाटी भी बिग बॉस के घर में अकेले हो गए थे, सबने उनकी मुखालफत करनी शुरू कर दी थी, क्योंकि जो सदस्य ऊपर ऊपर के आता है लगता है कि यार ये तो जीत जाएगा, तो उसके खिलाफ भी हो जाते हैं लोग, जलसी होती है। तो ये रुबीना दिला की बात छोड़िए, कह रहे ये यहाँ पे तो सीन ही कुछ पलट गया था, क्योंकि बिग बॉस का सीजन का नाम था अब सीन पलटेगा, लेकिन तब के सीजन में गौतम गुलाटी की बिग बॉस के घर में सलमान खान काफी साइड लिया करते थे, तो गौतम गुलाटी भी थे सलमान खान के फेवरेट। तो उसके बाद बिग बॉस सीजन 12 में एक ऐसा सदस्य था दोस्तों, जिसके बारे में ये कहना था कि भैया ये जीतेगा, और बाद में भी बहुत बवाल मचे थे कि भैया जीत तो श्रीशांत को ही चाहिए थी, ट्रॉफी तो श्रीशांत को ही मिलनी चाहिए थी, ये बड़ा शोर मचा था। श्रीशांत ने बहुत ही बढ़िया शानदार तरीके से अपने गट्स रहते हुए अपने दम पे कह सकते हैं कि बिग बॉस का सीजन 12 में खेला था, और बहुत सारी चीजें, कई बार श्रीशांत कुछ हद से ज्यादा चीजें भी कर जाते थे, तो फिर जो है लोग ये दोष लगाते थे कि सलमान खान को अब बोलना चाहिए था, श्रीशांत को क्यों नहीं बोला। सलमान खान कुछ होता भी था, श्रीशांत को समझाते थे, प्यार से समझाते थे, और कहते थे कि भैया आप इतने बड़े सेलिब्रिटी हो, क्योंकि वो इंटरनेशनल लेवल का सेलिब्रिटी, तो इसके लिए सलमान खान श्रीशांत की रिस्पेक्ट करते थे। तो लोगों का मानना था श्रीशांत भी सलमान खान के फेवरेट थे। तो उसके बाद बात करते हैं बिग बॉस सीजन 12 की। बिग बॉस सीजन 12 में दोस्तों मनु पंजाबी कॉमनर सदस्य था, मनु पंजाबी तो कॉमनर, लेकिन कॉमनर्स में बीच रह के मनु पंजाबी जिस तरीके से गेम खेलते थे, ये तो आपने अब के बारे में बिग बॉस 14 में भी देख लिया था कि मनु पंजाबी को गेम की बहुत समझदार है, बहुत ही बुद्धिमान है, और बहुत ही बुद्धिमत्ता के साथ मनु पंजाबी जो है बिग बॉस सीजन 10 में भी खेलते थे, कॉमनर्स को जो है वो मोटिवेट करते रहते थे कि भैया हम कॉमनर्स हैं तो क्या हुआ, हम किसी से कम नहीं है, और वाकई में बहुत ही अच्छी गेम खेली थी, और सलमान खान मनु पंजाबी की तारीफ करते रहते थे। तो इसी के लिए मनु पंजाबी अभी भी बिग बॉस के घर में आए थे, ये लोगों का कहना है। तो मनु पंजाबी भी सलमान खान के फेवरेट थे। तो बिग बॉस सीजन 11 में भैया सलमान खान की पसंद थी, जिनके बारे में भी बातें होती थी कि इसको तो कुछ कहते नहीं है सलमान खान, सलमान खान कभी भी शिल्पा शिंदे को कुछ नहीं कहते थे, भाभी जी घर पे है, भाभी जी ने विकास गुप्ता के नाक में दम कर दिया था, कंटेंट पे कंटेंट भाभी जी ने दिया था बिग बॉस के घर में, और इसके लिए भाभी जी बिग बॉस का शो जीत भी गई थी। तो सलमान खान साहब भाभी जी को भी पसंद करते थे और उनकी गेम को पसंद करते थे सलमान दरअसल। तो उसके बाद बिग बॉस 13 में वो कौन व्यक्ति है जिसको वो पसंद नहीं आता है, तो सलमान खान भी बहुत पसंद करते थे ये कहा जाता था। तो आसिम रियाज ये सब कहते थे कि भाई उसकी तो वन साइड है, उसको तारीफ करते हैं, उसको कोई कुछ नहीं कहता है, क्योंकि वो गेम ही ऐसी खेलता था, वो सामने से सॉरी सर कह के बात नहीं करता, जो उसने कहा है बोला है वो कहता था कि हाँ सर मैंने बोला है, और मैंने इसलिए बोला है क्योंकि ये बात ऐसे थी, वो कहता अपनी बात को जस्टिफाई करता था। और जी हाँ मैं बात कर रहा हूं सिद्धार्थ शुक्ला की, और सलमान खान सिद्धार्थ शुक्ला की तारीफ करते हुए नहीं थकते थे, ये हम सब ने देखा। तो सिद्धार्थ शुक्ला भी सलमान खान के पसंदीदा खिलाड़ी थे। तो उसके बाद बिग बॉस 13 में एक और सलमान खान की बहुत ही खासम खास थी भैया, तो बाद में भी है, बिग बॉस खत्म होने के बाद में भी सलमान खान उनको पसंद करते हैं, तो सारा भारत उनको पसंद करता था, इवन के भारत के अलावा विदेशों में भी उनकी फैन फॉलोइंग बहुत जबरदस्ती बन गई थी। तो पहले नहीं थी बिग बॉस के घर में आके, हर बार हर एपिसोड में उनसे ही सलमान खान शुरू करते थे कि शहनाज ये कैसे होगा,
तो बाद में एक मौके पे जब डांटने की जरूरत आई तो बहुत बुरे तरीके से डांटा भी, लेकिन प्यार भी उतना किया। तो सलमान खान की शहनाज कौर गिल भी फेवरेट थी। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं अब बिग बॉस 14 की। बिग बॉस 14 में बहुत कंटेस्टेंट सलमान खान के फेवरेट कहे जाते थे, जिनकी सलमान खान कहीं ना कहीं, क्योंकि फोकस सलमान खान का ज्यादा, दो लोग थे जो हर बार कुछ ना कुछ ऐसा करते थे जो पूरी क्लास उनकी ली जाती थी। आपको पता ही है, रुबीना दिलैक और अभिनव शुक्ला। तो सलमान खान जैस्मिन भसीन को पहले से ही पसंद करते थे, तो जैस्मिन भसीन की शुरू में तारीफ करते थे। जैस्मिन भसीन के जाने पे सलमान खान की आंखों में आंसू भी दिखाई दिए। तो जैस्मिन भसीन फेवरेट थी। उसके बाद एजाज खान। एजाज खान एक ऐसा सदस्य था बिग बॉस के घर में जिसको सलमान खान, लगता है कि सलमान खान उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, जैसे कि वो बहुत सीनियर है, बहुत बढ़िया है। तो एजाज खान के साथ मजाक मस्ती भी होती रहती थी। तो एजाज खान के साथ जो एक और सदस्य है अली गोनी। अली गोनी के साथ एंड तक सलमान खान जो है अली गोनी को समझाते गए कि अली अपनी गेम के, अली अपनी गेम के, क्योंकि सलमान खान अली गोनी को पसंद करते थे। हर बार अली गोनी से कुछ ना कुछ पूछते थे, वो अली कैसे होगा, अली ऐसा कैसे होगा। एंड में बाहर जाके भी वो अली को कहते कहते अभी जो बात करते कि ऐसे गले लगा के मुझे बोलता है कि सब लग गए सब सर। तो सलमान खान बोला, मैंने तो तेरे को बार बार बहुत समझाया पर तू समझाने के, अपनी गेम खेल, अपनी गेम खेल। तो अली गोनी भी सलमान खान के खास थे। और उसके बाद एक सदस्य जो सलमान खान की पसंद थी बिग बॉस 13 में, तो ये साफ साफ हमने देखा, वो थी राखी सावंत। क्योंकि बिग बॉस 13 में राखी साहब ने इतना कंटेंट दिया, सलमान खान ने बहुत एपिसोड में राखी सावंत की तारीफ की, यहां तक कह दिया कि राखी आपने ये पूरा शो चलाया है। राखी, बहुत सारे लोगों को उम्मीद होती थी कि राखी सावंत की इस बार क्लास लगेगी, सलमान खान नहीं लेते थे, राखी सावंत का बिस्तर तक बिछाने गए थे, जैसे शहनाज का गए थे सेम राखी सावंत का भी बिस्तर बिछाने गए थे सलमान खान, जो कि निक्की तबोली ने नहीं बिछाया था। तो यहां पे सलमान का एंड तक, जबकि जो चीजें बहुत ज्यादा हो गई तो क्रिएटिव्स ने कहा कि नहीं राखी को अब थोड़ा सा कहना पड़ेगा, तो वही सलमान खान ने बहुत प्यार भरे तरीके से कहा और ये प्रॉमिस लिया। तो बाद में राखी सावंत की मदर जब बीमार थी तो भी सलमान खान ने फुल ऑन मदद करने का वादा किया और मदद की भी। तो राखी सावंत भी थी सलमान खान की फेवरेट। तो दोस्तों ये थे बिग बॉस 1 से 14 तक सलमान खान के फेवरेट्स। तो आपको अगर कोई मैं मिस कर गया हूं, आपको लगता है कि नहीं ये भी सलमान खान का चहेता था, तो वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा जरूर। और देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। धन्यवाद। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।